चैनल, आज के इस वीडियो में मैं बहुत अलग टाइप से चिकन बनाने वाली हूँ, तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमने आधा केजी चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे से पानी से धो लिया है 3-4 बार। यहाँ पे हमने आधा केजी प्याज लिया है, जितना चिकन लेना है उतना ही प्याज लेना है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच बड़ी चम्मच से दही लिया है, यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, यहाँ पे बड़ी चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी साइज की टमाटर, 5-6 हरी मिर्ची, यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है, यहाँ पे हमने चिकन मसाला लिया हुआ है, काली मिर्च और ये जीरा पाउडर। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है, यहाँ हमने कढ़ाई ले लिया। अब इसमें सबसे पहले डालना है प्याज कटी हुई, तो यहाँ पे हमने कटी हुई प्याज ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर चिकन डाल देंगे ऐसे ये, उसके बाद इसके ऊपर दही डाल देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे जितने भी मसाले हैं वो सारे मसाले डाल दूंगे ये। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, 2 चम्मच, छोटी चम्मच से आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना भी आपको। मैं बड़ी चम्मच से 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच ही डालेंगे, हमने 1.5 चम्मच डाल दिया। अगर ज़्यादा नमक पसंद है तो 1.5 चम्मच और कम पसंद है तो 1 चम्मच। अब इसमें डाल देंगे यहाँ रिफाइंड या तेल जो भी डालना है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच बड़ी चम्मच से यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, वो हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, मिक्स करना है इसको अच्छी तरीके से, जितना मिक्स करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी ये चिकन। तो यहाँ पे ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ये अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए। इस तरह मिक्स करेंगे तो चिकन में मसाला अच्छे से चली जाएगी, तो चिकन बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे अगर मिक्स करके आप बनाते हैं तो इस टाइप की चिकन भी बहुत अभी टेस्टी लगती है। अभी ये ऐसे, अब उसके बाद इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए, तो इसको हम ढक के 5 मिनट छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए अच्छे से मसाला इसमें घुस गया है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, इसको 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बाद इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद इसको अच्छे तरीके से चला देंगे कि चिपके नहीं, एक बार जरूर चलाना है इसको अच्छे से। फिर से इसको ढक देंगे लो फ्लेम पे, खोल के चला लेंगे ये। अब इसको सिर्फ खोल के ही भूनना है, जितना ही भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी। आपका तेल छोड़ने लगा है, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब आपके क्या करना है, इसमें धनिया पत्ता अगर डालना है तो डाल सकते हैं कट करके, मैं इसी तरह बनाई हूँ। अब गैस को बंद कर देते हैं, ये देखिए कितना अच्छा ढाबा स्टाइल चिकन रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आज की चिकन की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज कीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। बहुत टेस्टी लगती है, अगर इस टाइप से बनाएंगे तो आप 2 जगह 4 रोटी खा लेंगे, पराठा खा लेंगे, जो भी आप खाते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।